कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहां मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे? मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूँ। 1, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूँ, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे? अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं, बीजेपी जा रही है। थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे, योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियाँ दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना, आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है, इंडिया को बढ़ाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। जय हिंद। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।